Hello friends, today we will be learning this mermaid, this cute mermaid. To make this cute mermaid, we will also color it, but this is non-color, I have do not colored it. So, let us start. So, for drawing, I am using a pencil, and then after drawing, I will highlight it from this pen. Okay, this is a marker which is used to highlight the drawings. Okay, now we will take a pencil. Take any pencil only. We will draw two little eyes. Two little eyes. What? Two little eyes. You have done. Now, after drawing two little eyes means a circle, make one this one and this one. One over there, here, and one over there. Now, color it from pencil or marker which you are using. Okay. Any pencil or marker which you are using, just color with it. Now make a cute little smile like this one. Okay. Now we will draw some eyelashes. I have drawn two little eyelashes. Now, and cute small U for the face of our this mermaid. Now, do like this. Do the curve and do it over here and now U shape. आपने ऐसे एक कर्व बनाया, उसके बाद उसको ले गए यहाँ पे, फिर यहाँ पे स्टॉप कर दिया. अब यहाँ से ही शार्प पॉइंट बन गया. यहाँ से हम लोग ने एक स्ट्रीट और थोड़ी विगली लाइन बना के हम लोगों ने उसको फिर से कर दिया. ठीक है, यहाँ पे हम लोग ने दूसरे कॉर्नर में जॉइन कर दिया एक लिटिल बिट सी टाइप का बना के. इसको थोड़ा आपको याला जो है पोर्शन, इसको थोड़ा नीचे को कर देना है, और ये जो आपका पार्ट है इसको आपको ऊपर जॉइन कर देना है. या आपका 3D लुक दैट यहाँ पे जो है ये यहाँ से 3D लुक आ रहा है हेयर का. ठीक है, अब जैसे कि यहाँ पे इस पे ईयर बने हैं, तो हम लोग इस पे भी स्मॉल स्मॉल ईयर्स बनाएंगे. ठीक है, जे शेप के स्मॉल स्मॉल ईयर्स बना दिए. ये हो गया हमारा फेस हमारी इस मर्मेट का. अब हम लोग यहाँ पे टू लिटल उसके शेल्स बनाएंगे. क्या बनाएंगे? शेल्स. जो टू लिटल लिटल शेल्स होते हैं वो हम लोग इसके बनाएंगे. टू लिटल शेल्स. नाउ फ्रॉम दिस साइड एंड फ्रॉम दिस साइड मेक टू लाइंस. नाउ मेक एन कर्व फ्रॉम हियर. मेक any doubt? Now curve it and do like this. यहां से आपको curve करना है और यहां से भी आपको curve कर देना है. Done. अब यहां से small curve of it. Vopes.
फिर से एक स्मॉल कर्व, फिर से वापस। अब हम लोग क्या बनाएंगे, इसकी आर्म्स। ये एक छोटे से और थोड़ा पतला आपको टीयर ड्रॉप शेप टाइप का बना देना है। कौन से शेप का? टीयर ड्रॉप शेप। ये जो हमारा यहाँ से जहाँ से हम लोग ने ये टू लाइंस बनाई थी ना, तो ये उसकी शोल्डर्स है, तो हम लोग शोल्डर से स्टार्ट कर देंगे और उसके बाद हमारा ये बन गया। हो गया सबका। अब हम लोग इसके ये जो हेयर्स है वो बनाएंगे। ये हम लोग ने यहीं से जहाँ से हम लोग ने ऐसे किया था ना और इस हेड को ऊपर तक कर दिया था, यहाँ से स्टार्ट करेंगे और ये करेंगे। यहाँ पे आपको स्टॉप कर देना है। अब यहाँ से आपको बनाना है और यहाँ पे आपको गैप थोड़ा सा छोड़ना है। यहाँ पे आपने यहाँ से एक बनाया, यहाँ पे स्टॉप कर दिया, फिर उसके बाद आपने थोड़ा अपर साइड आपने ऊपर साइड का कर्व भी बनाया। उसके बाद यहाँ पे आपको गैप दे देना है छोटा सा। अब छोटा सा गैप देने के बाद इसको यहाँ पे इसके टेल पे ला देना है, ठीक है। अब यहाँ पे भी एक स्मॉल हाँ कर देना है, ठीक है। ये आपने डिस्टेंस किया, अब यहाँ पे एक स्मॉल सा और बना दीजिए। यहाँ पे आपने फिनिश किया था इसको, ठीक है। इसके हेयर्स को यह उसी लेंथ पे हल्का सा पेंसिल से मार्क कर दीजिए, उसको आगे बढ़ा दीजिए। उसके बाद यहाँ आप ऐसे कर दीजिए, ठीक है। उसके बाद जो आपने हल्का सा मार्क बनाया था उसको इरेज कर दीजिए। ये यहाँ से ऐसा दिखाना है कि जो ये इसके हेयर्स है वो इसके हेयर्स जो है वो इसकी बॉडी के पीछे है। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, ये हमारा बन गया। अब आप चाहे तो फिश बना सकते हैं, ओके, ठीक है। आप फिश बना सकते हैं, कुछ भी बना सकते हैं जो आपको अच्छा लगे, ठीक है। अब हम लोग इसको क्या करेंगे, हाईलाइट करेंगे अपने मार्कर से। अगर आपके पास मार्कर्स नहीं है तो आप अपने ब्लैक पेंट से आप एक पतले ब्रश को लेके ब्लैक पेंट से आप बहुत ही स्लोली और बहुत ही केयरफुली इसको आप कर सकते हैं। ओके, बहुत ही आपको स्लोली करना है और केयरफुली भी करना है ताकि जो आपका जो आपने ड्रॉ किया है आपकी मरमेड को तो वो खराब ना हो। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि भले ही कलर आपने नहीं किया हो पर जब वो हिल जाता है ना तो वो स्प्रेड हो जाता है कलर। उसके बाद वो कलर जब उसको हटाने की या फिर मिटाने की कोशिश करो तो वो नहीं मिटता और उसके बाद वो पूरी ड्राइंग को आपकी ख़राब कर देता है। ऐसे मेरे साथ भी होता है, तो इसलिए आप अपने साथ अगर आपका मार्कर है तो प्लीज़ उसी से करिएगा।
और ये तैयार है आपकी छोटी सी मरमेड। अब हम लोग इसको क्या करेंगे, पेंट। पेंट करने के लिए यहाँ पे मैं ये स्पार्कल कलर्स यूज करूंगी, जो है वो स्पार्कल कलर्स है, स्पार्कल ग्लिटर मीन्स ग्लिटरी कलर्स है। तो हम लोग किसके हेयर्स का कौन सा कलर होता है, रेड। हमारी मरमेड एक मरमेड नहीं होती है, जो प्रिंसेस मरमेड है तो उसी मरमेड को हम लोग बना रहे, उसके हेयर्स रेड रेड नहीं होते हैं, आप तो जान ही गए होंगे। अगर आपको अच्छी लगती है प्रिंसेस तो आपको ये पता ही होगा कि एक मरमेड वाली प्रिंसेस भी है, होती है। इनको ये ग्लिटर वाले जो है थोड़ा सा स्प्रेड भी कर सकते हैं इनको, क्योंकि इस पर जेल भी होता है ना, जैसे कि ये हो गया तो मार्क जो बन जाते हैं हमारे पेंस के, है ना, ग्लिटर पेंस के, तो वो मिट जाते हैं हल्का हल्का, बस स्प्रेड कर दिया और काम ख़त्म। इसको आपको बहुत ही लाइटली और स्लोली करना होगा। हम लोग इसके फेस के लिए हम लोग वो वाले कलर्स यूज़ करेंगे, पेंसिल कलर्स भी आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास ग्लिटर वाले ये वाले पेंस नहीं है तो आप पेंसिल कलर यूज़ करिए, क्रेयॉन्स यूज़ करिए, पोस्टर कलर यूज़ करिए, कोई भी कलर आप यूज़ कर सकते हैं। ओके, जो आपके पास अवेलेबल हो कलर उसी कलर को आप करिएगा, ठीक है। ये नेसेसरी नहीं है कि जो आप मेरे पास है कलर्स वही आपके पास भी होने चाहिए। आपका हो गया। नाउ वी विल डू अदर थिंग। हेयर फॉर द टेल आई एम यूजिंग ग्रीन कलर। ओके, किड्स के लिए आप ये आप बना सकते हैं क्यूट सी मरमेड। ओके, यहाँ पे आपको जो बना जो कलर करना हो वो कर सकते हैं। अब हम लोग का लास्ट पार्ट है जो है हमारा स्किन कलर। तो स्किन कलर आप बना भी सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास है स्किन कलर, यहाँ पे मैं 0000 नंबर का ब्रश ले रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे थोड़ी क्यूट क्यूट डिटेल्स भी है, बहुत ही ध्यान से करिएगा। और आपके ब्रश में बिल्कुल भी वाटर नहीं होना चाहिए, अब बिल्कुल भी वाटर नहीं होना चाहिए, नहीं तो जो आपका मार्कर होगा पूरा फैल जाएगा, भले ही वो परमानेंट हो। और हाँ, एक और बात,
अगर पॉसिबल हो तो आप मार्कर ले लीजिएगा, क्योंकि अगर आप ब्लैक कलर्स को करेंगे, ब्लैक कलर को एज अ मार्कर, तो अगर आप पहले से कर लेंगे उसके बाद में बाकी पार्ट्स में करेंगे कलर, तो आपको नहीं मानेगा क्योंकि वो फैल जाएगा। अगर आप पहले कलर करके बाद में आप उस ब्लैक कलर के आउटलाइन करेंगे तो भी वो फिर से फैल जाएगा। तो अगर हो सके तो आप मार्कर्स ले लीजिएगा। अभी तो सबको ही आर्ट करते हैं, सबके पास होंगे। ये हम लोग ने पेंट किया और ये हमारी छोटी सी ये तैयार है, मामेड। ठीक है, अब चाहे तो यहाँ पे छोटी छोटी डिटेल्स बना सकते हैं, जैसे सी में ग्रीन कलर की कुछ लीव्स होती हैं जो वाटर के वजह से विगली विगली टाइप से हो जाती हैं, इस तरीके से। ये भी बना सकते हैं आप लोग, बहुत सारी डिटेल्स हैं जो आप सी में या फिर ओशन में आप दिखा सकते हैं कि हो है। ठीक है, आप मामेड के साथ साथ फिश बना सकते हैं और बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं। फिश और बहुत सारी टाइप्स की फिश होते हैं, ऑक्टोपस बना सकते हैं, एक क्यूट सा एक ऑक्टोपस जो है, एक और क्यूट सा है ऑक्टोपस है, और मतलब बगा सा नहीं, क्यूट सा बना दीजिएगा। इस पे आप चाहे तो बैकग्राउंड में आप ब्लू कलर भी कर सकते हैं। और हाँ, आप आर्टिकल बना के जरूर भेजिएगा, मैं आपके क्यूट क्यूट से मरमेड के आर्टिकल का वेट करूंगी। अगर आप नहीं मना पाए तो इट्स ओके। अच्छा लग रहा है? अच्छा लग रहा है ना? अरे कोई कमेंट ही नहीं है। स्मॉल स्मॉल फिशेस भी आप बना सकते, बहुत सारी चीजें हैं जो आप सी में फाइंड करते हैं। यहाँ पे आप स्टोन्स भी बना सकते हैं, बहुत सारी चीजें हैं। यहाँ पे मैं एक वे बहुत ही पतले ब्रश से मैं उसको बनाऊंगी, फिश को। बहुत ही मतलब कौन सा नंबर है, 0 नंबर ब्रश से मैं करूंगी।
जीरो ब्रश, जीरो नंबर ब्रश। स्पार्कल, मेरे को स्पार्कल नहीं अच्छा लग रहा, मैं इसको से थोड़ा सा पेंट कर दे रही हूँ। यहाँ पे स्पार्कल ही रहेगा, एक साइड स्पार्कल रहेगा, थोड़ी सी स्पेस में ही रहेगा स्पार्कल। सब कोई मेरे साथ बना रहा है क्या? यहाँ पे कोई है ही नहीं तो कौन बनाएगा? अगर आपके पास पतला ब्रश नहीं है तो थोड़ी आप बड़ी अपनी ड्राइंग बना दीजिएगा मर्मेट की, तो आपको पतले ब्रश की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप इस आइस को मार्कर या फिर ब्लैक कलर से बना लीजिएगा और उसके बाद बाकी सब आप अपने थोड़ी फ्लैट या फिर राउंड ब्रश से कर लीजिएगा। अगर आपका जो है वो बड़ा है तो कोई नहीं देख रहा लाइव। अब मैं आपको बताती हूँ कि फिश आप छोटी सी फिश कैसे बना सकते हैं। आप एक ओवल टाइप का बनाइए, सीधा बनाते हैं ना तो इस साइड ऐसे बनाइए नया। अब आप यहाँ पे टू राउंड्स बना दीजिए, ये आपकी फिश तैयार। अब बस इस पेंट का ड्राई होने का वेट कर दीजिए, उसके बाद आपकी फिश तैयार हो जाएगी। जितनी बड़ी चाहे आप बना सकते हैं फिश को। ओके, और ये आपका तैयार है आपकी मरमेट पेंटिंग। कैसी लग रही है? तो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड आर्टिकल्स अगर आप सबमिट कर पाए तो सबमिट कर दीजिएगा।